सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और साथ ही दबा दें इस बेल आइकन को ताकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलामु अलैकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू माय YouTube चैनल। अगर आप WhatsApp इस्तेमाल करते हैं और WhatsApp पे आपका कोई दोस्त आपको कोई मैसेज भेजता है, कोई पिक्चर भेजता है, और आपके उस मैसेज को पढ़ने से पहले, उस पिक्चर को देखने से पहले डिलीट फॉर एवरीवन करके उस मैसेज को डिलीट कर देता है ताकि आप उस मैसेज को ना पढ़ सकें, तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह आपको पता चल जाए कि उस मैसेज में ऐसी क्या ख़ास बात थी जो भेजने वाले ने आपके पढ़ने से पहले ही उस मैसेज को डिलीट कर दिया। इसके अलावा कुछ लोग स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज सेंड करते हैं, कोई पिक्चर, कोई वीडियो या कोई ऑडियो सेंड करते हैं और आपके उस मैसेज को देखने के चंद सेकेंड बाद उसे डिलीट फॉर एवरीवन करके डिलीट कर देते हैं ताकि वो पिक्चर, वो वीडियो, वो ऑडियो या फिर वो मैसेज आपके व्हाट्सएप में सेव ना रह सके और आपके व्हाट्सएप से वो डिलीट हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप उन तमाम मैसेजेस को पढ़ सकते हैं, उन तमाम पिक्चर्स को देख सकते हैं, वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, ऑडियो मैसेजेस भी सुन सकते हैं जो अगर आपको आपका कोई दोस्त या कोई भी बंदा व्हाट्सएप पर भेजने के बाद डिलीट फॉर एवरीवन करके आपके व्हाट्सएप से डिलीट कर देता है। तो अगर आप इस मेथड को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो अगर आप अपने WhatsApp पे दूसरों के डिलीट कर दिए गए मैसेजेस को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। सिंपली आपने प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाके आपने व्हाट्स डिलीट लिख के सर्च करना है तो आपको ये एप्लीकेशन ईजिली मिल जाएगी और इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप डिलीट किए गए मैसेजेस को, पिक्चर्स को, वीडियोस को और ऑडियो फाइल्स, तमाम के तमाम मैसेजेस को पढ़ सकते हैं। अगर कोई आपके देखने से पहले मैसेज डिलीट कर देता है या फिर आपके पढ़ने के बाद डिलीट करता है तो दोनों केसेस में आप उन मैसेजेस को पढ़ सकते हैं, वो मैसेज आपके मोबाइल में सेव हो जाएंगे। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर भी कुछ सेटिंग्स करनी है। उसके लिए आपने अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से थ्री डॉट्स पर क्लिक करके आपने सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद आपने डेटा एंड स्टोरेज यूजेज में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मीडिया ऑटो डाउनलोड का, तो इस पे जाके आपने तमाम ऑप्शंस को चेक कर देना है। अगर आप तमाम मैसेजेस को पढ़ना चाहते हैं, फोटोज देखना चाहते हैं, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, जो जो फाइल्स आप देखना चाहते हैं उनको आपने चेक कर देना है और जो आप नहीं देखना चाहते उनको आपने अनचेक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी आपने सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपने कुछ सेटिंग्स करनी है, कुछ परमिशंस अलाउ करनी है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको डिलीट किए गए इमेजेस, वीडियोस, स्टेटस, चैट और तमाम के तमाम ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको कोई ऑडियो, वीडियो, पिक्चर या कुछ भी भेजने के बाद डिलीट करता है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा इस एप्लीकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, मैं आपको इस एप्लीकेशन को करके और लाइव प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जाके भी आप इन ऑप्शंस को अनचेक कर सकते हैं अगर आप स्टेटस और वॉइस नोट्स वगैरह को नहीं देखना चाहते। जो जो चीज़ आप देखना चाहते हैं उसको आपने ऑन कर लेना है और जिसको आप नहीं देखना चाहते उसको आप ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस एप्लीकेशन की कुछ सेटिंग्स यहाँ पे भी देखने को मिल जाती हैं, आप अपनी मर्जी से इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है। मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं अपने दूसरे मोबाइल से इस व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजता हूँ और भेजने के फ़ौरन बाद उस मैसेज को डिलीट कर देंगे और फिर देखेंगे कि क्या हम उस मैसेज को पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले मैं हेलो लिख के एक मैसेज कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर मुझे हेलो का एक मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे हेलो का मैसेज रिसीव हो चुका है। अब मैं अपने दूसरे मोबाइल पे जाके उसको डिलीट फॉर एवरीवन करके डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने दूसरे मोबाइल से कोई पिक्चर भेजूंगा और उसको भी डिलीट करके हम देखेंगे कि क्या हम पिक्चर्स को देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो आप देख सकते हो मेरा हेलो वाला मैसेज जो है वो डिलीट हो चुका है। अब मैं कोई पिक्चर सेंड करता हूँ अपने दूसरे मोबाइल से। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर सेंड की है, आप देख सकते हो ये पिक्चर मुझे रिसीव हो चुकी है। अब मैं इस पिक्चर को भी अपने दूसरे मोबाइल से डिलीट फॉर एवरीवन करके डिलीट कर देता हूँ। तो दोनों मैसेज मेरे इस व्हाट्सएप से डिलीट हो चुके हैं। अगर आपने कोई मैसेज नहीं पढ़ा तो उस केस में भी आप उसको रिकवर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक मैसेज भेजता हूँ, अभी तक मैंने इस मैसेज को ओपन नहीं किया और इसको भी मैं डिलीट फॉर एवरीवन करके डिलीट कर देता हूँ। ये मैसेज भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो अब अगर आप इन मैसेजेस को पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली आपने इस एप्लीकेशन को
ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर कोई पिक्चर आपको भेजने के बाद डिलीट की गई है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई वीडियो की गई है तो वो आप वीडियोस में देख सकते हैं, और अगर आपको कोई टेक्स्ट मैसेज भेजने के बाद डिलीट किया गया है तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। मैंने पहले हेलो का मैसेज किया था, उसके बाद फोटो सेंड किया था, उसके बाद मैंने हाई लिख के सेंड किया था, तो वो सारे मैसेज आप यहाँ पे बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो। और अगर आपका दोस्त स्मार्ट बनने की कोशिश करता है और आपको मैसेज भेजने के बाद डिलीट कर देता है तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।